नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा के ढाबा कांता प्रसाद के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उन्होंने गौरव आसन के ऊपर एकदम सरासर गलत इल्ज़ाम लगा दिया है कि गौरव ने उनके पैसे खा लिए हैं। 20 लाख रुपये गौरव के पास आए थे, उनकी वाइफ के पास आए थे, जो उन्होंने पूरा हड़प लिया है पैसा, जो कि हमको नहीं बताया है। तो देखिए बाबा का क्या कहना है गौरव के बारे में, आप इस वीडियो के में देख सकते हैं। कि ये कहना चाहते हैं कि गौरव से पैसे लिया जाए, वो हमें दिया जाए हैं, और आगे गौरव की नसीहत मिले कि ऐसा किसी गरीब साथ ऐसा ना करे। ऐसा दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बाबा के ढाबा कांता प्रसाद का क्या कहना है गौरव के बारे में कि उन्होंने उनका पूरा पैसा खा लिया। और जब अब हम लोगों ने कुछ समय बाद उनके ऊपर जब कुछ केस हुआ, उधर से भी केस के लिए इनके ऊपर कर दिया गया, तो अब बाबा का देखिए क्या कहना है, आप इस ऑडियो के जरिए सुन सकते हैं बाबा का कहना क्या है। अजी बाबा ने उसके चैनल से, हाँ जी सर जी, मैं अभी घर पे हूँ, दवा खा के सो रहा हूँ, इनका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, आँख का ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी हाँ। तो आँख का ऑपरेशन तो आपका 6-7 दिन पहले हुआ था ना? एक आँख का हुआ था, दूसरा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। बाबा मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने गौरव वासन के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें आपका एक वर्जन जानना था। अभी गौरव वासन कह रहे हैं कि आपने ठीक नहीं किया, उन्होंने तो आपके साथ भला किया लेकिन आपने ठीक नहीं किया, ऐसा करके। सुनिए गौरव, देखो हमारे बेटा समान है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है, हमारे उसने भलाई की है। हम उसके साथ क्यों ऐसा करेंगे? सर से ये है कि जो आम पब्लिक ये वो हिसाब मांग रही थी, इसलिए हमने इसको एक शिकायत दर्ज कराई कि हमारे भी उनके भी खाते के जांच हो जाए, ताकि आम पब्लिक सामने आ जाए हैं कि हम दोनों जो है, जो हम दोनों ऊपर से इल्जाम हट जाए। अच्छा और, बाबा मैं ये कह रहा था, गौरव वासन कह रहे हैं कि बाबा भी तो बताए ना उनके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। हाँ जी, गौरव वासन कह रहे हैं कि बाबा को भी अपनी स्टेटमेंट दिखानी चाहिए कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। हम तो एस्टीमेट तो हमारे खुद ही बैंक वाले दिखा देंगे, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई हमारा उनका भी दोनों एस्टीमेट जो है जो अपना दिखा लें, हमें क्या इतराज है, हमें कि जनता के सामने आ जाना चाहिए, ताकि हम दोनों जो है आपस में मन मुठाव हम दोनों को ना हो हैं। अच्छा क्यों दोस्तों, मैंने आपको दोनों ही क्लिप दिखाई, आपको बताया कि बाबा देखिए अपनी बात से कैसे एकदम पलट गए, तुरंत ही पलट गए कि मैंने ये नहीं कहा था कि गौरव अगर को कुछ जेल होगी या कुछ हो जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। अब बाबा अपने पहले कह रहे थे कि गौरव को जेल हो जाएगी तो अच्छी बात है, ये है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने उससे मेरा पैसा देना चाहिए, और अब बाबा कह रहे हैं कि वो तो मेरे बेटे जैसा है, उसको पैसा उसको जेल नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ नहीं। बाबा कह रहे हैं कि गौरव को मैंने नहीं बुलाया था, गौरव मेरे पास क्यों आया था, मैं अपने हाल में जैसा था ठीक था। पर वही दोस्तों है कहना कि आज के ज़माने में किसी की भी मदद करना बहुत ही ख़राब है, अगर किसी की मदद आप करोगे तो आप ही उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो इससे बाबा के ढाबे से हम लोग बहुत कुछ ऐसी बातें सीख रहे हैं कि आज जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, जितनी मदद करनी है उसी टाइम कर दीजिए, आप इस तरीके से मदद कभी मत करें जिससे कि बाबा के ढाबा जैसे लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये इंसानियत के नाम पर कलंक। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए।